नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दुपट्टे पे लैस लगाएंगे और ये लैस हम अंडरग्राउंड लगाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका आपको बताएंगे अंडरग्राउंड लैस लगाने का, एक ही वीडियो में आप लैस लगानी सीख जाएंगे। दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है, आप इस तरीके से चुन्नी को फोल्ड कर लेते हो पहले और ऊपर से इस लैस को रख के सिलाई लगा देते हो, तो इस तरीके से आपको ये लैस नहीं लगानी है। और आप कई बार इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हो दुपट्टे को और नीचे की तरफ लैस को रखते हुए सिलाई लगा देते हो। इससे क्या होता है, ऊपर की तरफ तो हमारी लैस की फिनिशिंग आ जाती है पर नीचे की तरफ हमारी पूरी लैस दिखाई देती है। आपको इस तरीके से भी ये लैस नहीं लगानी है। इसका लगाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो ये हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारी किनारी जो होती है लैस की, इसको हमें दबाना होता है सिर्फ। तो देखिए, ये जो दुपट्टे की जो हमारी किनारी है और ये हमारा पल्ला है। दुपट्टे का जो पल्ला है वो हमें सबसे पहले इसमें लेना है। आपको उल्टा सीधा दुपट्टे का देख लेना है, फिलहाल इस दुपट्टे में उल्टा सीधा नहीं है, ये बिल्कुल दोनों तरफ से एक जैसा है। पर अगर आपके दुपट्टे में उल्टा सीधा हो तो आपको सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है दुपट्टे की। ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड करना है पहले, और इस पर सिलाई आपको लगा देनी है। सीधी साइड में आपको ये दुपट्टा फोल्ड कर लेना है, दोनों पल्ले आप फोल्ड कर लें। तो देखिए, दोनों पल्ले मैंने फोल्ड कर लिए हैं सीधी साइड में। देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारी सीधी साइड है। अब आपको देखिए लैस ले लेनी है। अब इस लैस को रखना किस तरीके से, देखिए ये लैस की हमारी सीधी साइड है और दुपट्टे वाली ये सीधी साइड है, तो हमें दोनों को आपस में मिला देना है सीधी साइड को इस तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये सीधी साइड है लैस की, दुपट्टे की ये वाली है, आपस में मिला देना है और इस तरीके से आपको कपड़ा अंदर फोल्ड कर लेना है। जितनी भी आपको लैस दिखानी है उतना कपड़ा आप अंदर फोल्ड कर लें। देखिए एक बार नज़दीक से देख लें, इस तरीके से जितनी लैस आपको दिखानी है अंदर रख के फोल्ड कर लेंगे और इसकी किनारी पर आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से देखिए सिलाई आपको बिल्कुल मार्जिन एक बराबर लेना है, कम ज़्यादा मार्जिन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोना आ गया है, तो कोना हम किस तरीके से बिठाएंगे, देखिए लैस को कपड़े से थोड़ी सी आगे की तरफ आपको घुमा देना है। कपड़ा ख़त्म होने से आधा इंच पहले ही आपको लैस को घुमा देना है इस तरीके से, और जो हमारा आधा इंच कपड़ा बचा है उसको आपको लैस के ऊपर फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। लैस को थोड़ी पहले आपको रोक देना है और घुमा देना है, और उस कपड़े को लैस के ऊपर इस तरीके से फोल्ड आपको कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कोना बना हुआ है। अभी हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे, इसकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको पूरे दुपट्टे पर सिलाई लगा देनी है। अब देखिए हमारा एक कोना हो रहा है, अब इस कोने को भी हम सेम वैसे ही करेंगे। लैस को दुपट्टे की किनारी से आधा इंच पहले ही घुमा देंगे, लैस को घुमा देंगे इस तरीके से, और जो हमारा आधा इंच कपड़ा आगे की तरफ बढ़ा हुआ है उसको हम लैस के ऊपर पलट देंगे। आधा इंच पहले हम लैस को इसीलिए घुमाते हैं कि हमारा जो आधा इंच का कपड़ा है वो लैस के ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से देखिए आपको लैस के ऊपर वो कपड़ा चढ़ा देना है। इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से। ये देखिए हमारा ये कोना बिल्कुल एकदम अच्छे से बनके तैयार हो गया। अभी इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हमने सिलाई जहाँ से शुरू की थी हम वहीं पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से थोड़ी सी लैस हमें खोल लेनी है, क्योंकि हम इसे इस लैस को हमें उसके ऊपर चढ़ाना है। इसको लैस को कट कर लेंगे एक इंच ऊपर की ओर बढ़ाते हुए। देखिए इस तरीके से लैस को ऊपर बढ़ाते हुए हमें इसको अंदर गुम कर देना है, ताकि हमारा जो ज्वाइंट है लैस का पता ना चले। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे दुपट्टे पर इसको लैस को लगा दिया है। तो देखिए ये हमारा कोना है,
अब आपको क्या करना है, देखिए इसको एक बार फोल्ड करना आपने। देखिए नीचे की तरफ से हमारी लैस जो है बिल्कुल गुम हो चुकी है, ऊपर की तरफ भी बिल्कुल फिनिशिंग आई है हमारी लैस की। अब आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, आप किनारी की सिलाई लगाना चाहें किनारी की लगा लें। अब देखिए जो कोना है इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल सेटिंग में इसको कर लेंगे कोने को, और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। अगर आप एक पैर की सिलाई मारना चाहें एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए कोना हमारा एकदम फिनिशिंग से बना है, आपको कोने को सेट करके बस सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। अब पूरे दुपट्टे पे आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों हमने पूरे दुपट्टे पे सिलाई लगा ली है और हमारा दुपट्टा एकदम फिनिशिंग से बनके तैयार हुआ है। लैस हमारी बिल्कुल ऊपर नीचे से बिल्कुल अंडरग्राउंड है, गुम लैस है। ये तरीका लैस लगाने का बिल्कुल सही तरीका होता है, आपको इस तरीके से लैस लगानी है। कोने हमारे बिल्कुल एकदम सही बने हैं, तो इस तरीके से आपको लैस लगानी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।